तो गाइज, मेरा नाम है आदित्य और आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल यानी कि रस्टिंग गार्डन में फिर से एक बार स्वागत है। तो इस बार किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल काफी बड़ी स्टोरी इसके बारे में। तो गाइज, मैं जो मुझे अनकट वीडियो बनाने वाला हूँ, कुछ रीजंस की वजह से अनकट के वीडियो में बना रहा हूँ। तो एक चलो शुरुआत करते हैं। तो ये सबसे पहले खबर जुड़ी है वो जुड़ी हुई है एलिस्टर ब्लैक से। तो इस सबको तो पता होगा एलिस्टर ब्लैक फिलहाल WWE से ब्रेक ले चुके हैं। उनकी फ्यूड पहले केविन ओस के साथ मंडे नाइट रॉ के ऊपर थी, वो एंड हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने जो है मतलब उनको WWE के साथ ब्रेक ही दिया गया। और एलिस्टर ब्लैक के ऊपर ये नई अपडेट आ रही है, एलिस्टर ब्लैक को WWE फिर से एक बार रीपैकेज करने वाली है। और रीपैकेज करने के बाद उनको साथ ही साथ WWE स्मैकडाउन के ऊपर लेकर आने वाली। WWE जो है जल्दी स्मैकडाउन के ऊपर जो है हमारे एलिस्टर ब्लैक को लाने वाली है। गाइस, देखना पड़ेगा कब आने एलिस्टर ब्लैक, कैसे उनका नया गिमिक होता है देखना पड़ेगा। तो गाइस, जब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की, नेक्स्ट न्यूज जुड़ी हुई है वो जुड़ी है गाइस हमारे यहाँ पर अंडरटेकर के बारे में। तो आपको पता होगा अंडरटेकर WWE के अंदर सर्वाइवर सीरीज के अंदर उन्होंने जो है WWE से विदा कह दिया, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली। तो इस अंडरटेकर का मानना ये कि मैं अभी WWE के अंदर कोई भी मैच रेसल नहीं करूंगा। आज जो है मेरा मतलब WWE के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच हो चुका है और मैं जो फिर से WWE को रिसाइन नहीं करूंगा। हाँ, पर मैं WWE के साथ कोई मैच तो रेसल नहीं करने वाला। हाँ, WWE मतलब अंडरटेकर ने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि वो कोई मैच ऐसा रेसल नहीं करने वाले है। पर किस मेरे ख्याल से WWE जो है उनको किसी एक PPV के लिए तो WWE उनको एडवर्टाइज करेगी। हाँ गाइस, देखना पड़ेगा कब WWE जो है इस चीज़ को एक्चुअल में प्लान करवाती है और फिर कब अंडरटेकर को WWE से एक बार बुलाती है, देखना पड़ेगा इस अंडरटेकर का फ्यूचर क्या देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की, नेक्स्ट न्यूज जुड़ी है वो जुड़ी है CM Punk से। तो CM Punk आपको तो पता होगा गाइस, जो CM Punk है हमारे बेस्ट ने तो वर्ल्ड, उनके बारे में अपडेट है गाइस। उनको ट्विटर के ऊपर किसी फैन ने जो है उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम्हारे मतलब तुम्हें कौन सा WWE के अंदर सुपरस्टार पसंद आता है, मतलब CM Punk को कौन सा सुपरस्टार WWE का पसंद आता है। तो गाइस, उन्होंने कोई और नाम नहीं लिया, उन्होंने नाम लिया सीधा हमारे गोल्डबर्ग का। उन्होंने कहा मेरे ख्याल से गोल्डबर्ग ही हमें WWE के अंदर सबसे बढ़िया रेसलर है और वही सबसे अच्छी रेसलिंग में करता है। और गाइस, उसके अंदर स्टैमिना भी काफ़ी ज़्यादा है, पोटेंशियल उस बंदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो है कभी कभार आता है पर जब भी आते हैं काफ़ी जो है हंगामा क्रिएट कर देते हैं। तो कहीं जहाँ पर ऐसा मानना था कि हमारे CM Punk का है, CM Punk के अकॉर्डिंग वाकई में गोल्डबर्ग है बेस्ट रेसलर, कमेंट में मुझे नीचे जरूर बताना। हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की। तो इस नेक्स्ट न्यूज भी है CM Punk के बारे में, पर CM Punk की नहीं ली न्यूज़। तो गाइस, वो है गाइस WWE बैकस्टेज के शो के बारे में। तो इस बैकस्टेज शो आपको पता होगा CM Punk का शो था रनिंग का शो का जो थे उसके अंदर यहाँ पर पेज भी थी। पर प्लीज आप अब जो है गाइस मतलब जो हमारे CM Punk है वो शो के अंदर नहीं होंगे। पर गाइस, WWE बैकस्टेज शो जो है फिर से एक बार रिटर्न करने वाला है। आपको पता होगा गाइस WWE मतलब बीच में जब कोरोना की वजह से WWE ने इसको जो है ऑफलाइन किया था गाइस, इसी वजह से WWE फिर से एक बार इस शो को एडवर्टाइज की और गाइस जो है एक ही दिन का अब रहने वाला है। मतलब आज मतलब फिर से नई न्यूज़ आई कि वो एक ही दिन रहेगा, उसके बाद उसका फ्यूचर क्या होगा ये तो अपडेट नहीं आई। और गाइस, जो डेट सामने आ चुकी है वो है गाइस 31 जनवरी की, यानी कि ठीक रॉयल रंबल के दिन ये जो शो स्टार्ट होगा। गाइस, इंडिया में तो आपको पता होगा भाई ऐसे कोई शो भी हमको देखने को नहीं मिलते। हाँ गाइस, पर आप जो है मतलब इंटरनेट के थ्रू इसे WWE नेटवर्क के थ्रू इसे देख सकते हो। हाँ गाइस, देखना पड़ेगा भाई क्या मस्त है, क्या बवाल होता है शो के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की। तो इस नेक्स्ट न्यूज भी काफ़ी बड़ी और गाइस, नेक्स्ट जो है हमको दो स्टोरी नहीं, सबसे पहले और एक चीज़ की बात करें। तो गाइस, जो नेक्स्ट खबर जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है गाइस पार्कर से। हाँ गाइस, WWE का दूसरा ब्रॉक लेसनर कह सकते हो आप भाई, पॉल हैमन ने उनको नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर कहा था। पार्कर उनको आप सबको पता होगा एक फुटबॉलर है, उन्होंने जो है मतलब उनको जो है WWE NXT के बैकस्टेज उनको जो है पाया गया था, देखा गया था। हाँ गाइस, और यहाँ पर जो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं पार्कर जो है WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में है वो WWE के साथ। वो आज ना कल
वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं अपना और गाइस, जहाँ पर जो है WWE के अंदर वो अपनी वापसी कर सकते, वापसी नहीं मतलब वो अपना डेब्यू कर सकते हैं, NXT के अंदर डेब्यू कर सकते हैं, फिर भाई WWE सोचे तो उनको मेन रोस्टर के अंदर भी ला सकते हैं। भाई देखना पड़ेगा कब होता है ये सीन और गाइस, ब्रॉक लेसनर बनाम हमारे पार्कर के बीच मैच होता है, तो भाई देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्टिंग मैच होता है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले स्टोरी की, मतलब वो एक ही जो है दो स्टोरी के अंदर है डिवाइड। तो सबसे पहले स्टोरी है रोमन रेंस के बारे में, मेरी स्टोरी है तो सबसे पहले स्टोरी है रोमन रेंस और जॉन मॉक्सली से। हाँ गाइस, रोमन रेंस और जॉन मॉक्सली आपको पता होगा डीन एम्ब्रोस एके और गाइस AEW के अंदर अभी फिलहाल वो जो है, पर गाइस WWE के रोमन का इंटरव्यू हुआ था रोमन रेंस का, जिसके अंदर उनसे एक फैन ने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब मैंने नहीं पूछा था, उनसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप सेथ रॉलर्स और डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली उनके साथ अपने शील्ड भाइयों के साथ अभी भी कॉन्टैक्ट में रहते हो। उन्होंने कहा भाई मैं उसके साथ दोनों के साथ कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, मैं अभी पिछले मतलब मैं पहले भी उनके कॉन्टैक्ट में रहता था, अब भी रहूँगा और भाई आगे भी मैं उनके कॉन्टैक्ट के साथ रहूँगा, वो तो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। और गाइस उन्होंने कहा कि मुझे एक बार जो है मैं अब जो है सबके साथ थोड़ा इतना भी फ़ोन पर नहीं बात कर रहा, वो थोड़ा बिजी इसलिए। और गाइस वो कहते हैं कि जॉन मॉक्सली के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें करते हुए, जहाँ पर वो एक हमें इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि मुझे थोड़े दिन पहले जॉन मॉक्सली का एक फ़ोन आया था, गाइस उन्होंने मुझे पहले बताया कि भाई रेनिंग जो है प्रेग्नेंट है। उन्होंने रोमन रेंस ने सबसे पहले भाई कांग्रेस किया भाई डीन एम्ब्रोस को। और गाइस यहाँ पर जो है जॉन मॉक्सली कहते हैं भाई रोमन रेंस को बड़ी इंटरेस्टिंग वे में कहते हैं कि भाई मुझे कोई सलाह दे दे भाई, क्योंकि अब जो है मेरा मतलब मुझे जो है एक बच्चा होने वाला है, मैं उसका जो है कैसे उसका मतलब क्या क्या करना पड़ता है। और गाइस वो कहते कि तुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है भाई, तो ये रोमन रेंस का भी इंटरेस्टिंग वे में उसका भी आंसर देते कि भाई इसके अंदर एक्सपीरियंस वाली ऐसी बात भाई। और गाइस यहाँ पर जो है रोमन रेंस ने काफ़ी बड़े फोन की हमें यहाँ पर बात दी गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की, जो कि जुड़ी है भाई रोमन रेंस से ही। तो गाइस रोमन रेंस ने अपने खुद से भाई अपने नए थीम सॉन्ग को भी यहाँ पर उन्होंने जो है नामकरण कर लिया। और गाइस यहाँ पर रोमन रेंस कह रहे हैं कि भाई मेरा जो नया थीम सॉन्ग है WWE जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, मैं भी कुछ ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ऑल हेवन भी उसके ऊपर काम कर रहा है, पर गाइस जो अभी जो थीम सॉन्ग रेडी नहीं हो पाया गाइस, मुझे मैं काफ़ी जिससे कि भाई ऑडियंस को भी लगी भाई ये सब में कितने कैरेक्टर आ चुका है WWE के अंदर कोई। और भाई रोमन रेंस जैसा काफ़ी तगड़ा एक सुपरस्टार काफ़ी अच्छे हील के रूप में है, तो गाइस यहाँ पर रोमन रेंस ने कहा कि भाई WWE लोगों को मेरा पहले वाले मतलब जो थीम सॉन्ग है वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, ये नया थीम सॉन्ग आते तो भाई देखना पड़ेगा क्या होगा। तो भाई ठीक है आज की वीडियो भाई रोमन रेंस ने खुलासा भी कर दिया कि मैं जो थीम सॉन्ग आएगा वो रंबल के अंदर आता है, रेसलमेनिया से बड़े भी वीडियो के अंदर देखना पड़ेगा। तो भाई ठीक है आज की वीडियो भाई कैसे रहेगा वेट करके जरूर बताना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करो, ऐसे अपडेट्स आपको मिलने के लिए। और आज की वीडियो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।